हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसा रेमेडी जिससे आप अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग भी सफ़ेद बाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं दोस्तों। और कुछ भी करते हैं, बाहर का महंगा हेयर डाई लगाते हैं, उसके बाल जो है दोस्तों काला तो हो जाते हैं इंस्टेंटली, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर जाते हैं आपके बालों को। आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो जाती है दोस्तों। तो आज का होम रेमेडी आपको बहुत ही ज़्यादा कारगरी काम करेगा, बहुत ही असरकार तरीके से काम करेगा, और दोस्तों किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और नेचुरली आपका बाल जो है काला हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आज का होम रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा चाय का पत्ती। चाय का पत्ती से अक्सर लोग चाय बनाते हैं दोस्तों। चाय का पत्ती बहुत ही बढ़िया एक घरेलू नुस्खा के लिए इंग्रेडिएंट्स होता है जो हमारे बालों को नेचुरली रूप से काला करता है। साथ के साथ ही इससे हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइन होते हैं, बालों को जड़ को मजबूत करता है, टूटना झड़ना रोकता है दोस्तों। तो चाय के पत्ती में बहुत ही बढ़िया कैफिन पाया जाता है जो हमारे बालों को नेचुरली काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आपके बालों पे एक अलग सा लेयर चढ़ा देता है जिससे आपके बाल बहुत ही नेचुरली चमक भी आती है आपके बालों में और काला दिखता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको चाय का 2 चम्मच लेना है, चाय पत्ती का 2 चम्मच लेना है और इसको अच्छे से एक तरह से पाउडर फॉर्म में इसको पीस लेना है। हल्का दरदरा भी रहेगा तो चलेगा, आप चाहें तो यहाँ पर मिक्सी में भी चला के इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का दरदरा ही कूट लिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाय का पत्ती लेना है लगभग 1 चम्मच के आसपास, और उसके बाद आपको एक कटोरी लेना है, कोई भी एक बर्तन आप ले सकते हैं और उसमें आप डाल सकते हैं कोई भी तेल, जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ और नारियल का तेल यहाँ पे लगभग आपको 2 चम्मच नारियल का तेल चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये बहुत ही बढ़िया है, ये हमारे स्किन के लिए हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत करता है, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है इस तेल को लगाने से, बिना किसी साइड इफेक्ट के कोल्ड प्रेस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, इसलिए 100% नेचुरल होता है, बिल्कुल ओरिजिनल जो नारियल का तेल होता है ना वैसा होता है। तो ये यहाँ पे मैं लगभग ले रही हूँ 1/2 चम्मच के आसपास। आप यहाँ पे अगर आपके पास नॉर्मल कोकोनट ऑयल है तो वो यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, और आप अगर आपके पास ये वाला तेल है तो ये पूरा पूरा ये तेल ले सकते हैं। उसके बाद आपको नींबू लेना है, नींबू आपको लगभग 1/2 नींबू का कुछ बूंद लेना है, जैसे कि 5-6 बूंद आप ले सकते हैं, और नींबू का तो आपको पता ही है कितना फ़ायदा होता है, नींबू हमारे स्किन से लेकर के हेयर से लेकर के हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। नींबू में पाया जाता है विटामिन सी, सेट्रिक एसिड, जो कि हमारे हर एक चीज़ में बहुत ही बढ़िया होता है, वेट लॉस में बहुत ही बढ़िया नींबू का भूमिका होता है, हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा करता है। हेयर में हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि नींबू को कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाएं, इससे आपके हेयर फॉल शुरू हो जाएंगे, आपके डैंड्रफ को रोकता है नींबू का रस, तो इसलिए हमेशा नारियल तेल में डाल के या फिर किसी न किसी तरीके से किसी चीज़ में मिला के नींबू का इस्तेमाल करें, आपके बालों का डैंड्रफ ख़त्म होगा, आपके बालों में से इन्फेक्शन ख़त्म होगा, जड़ों में अक्सर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, गर्मियों में अक्सर बहुत ऐसा होता है, वो नहीं होगा दोस्तों, तो सारी समस्याएं आपको ऐसे दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा ये जो पीसा हुआ आपने रखा था चाय का पत्ती, वो डाल दीजिए 1/2 चम्मच, 1 चम्मच आपको जितनी भी ज़रूरत है, लगभग 1 चम्मच ज़रूर डालें, और उसको डाल करके दोस्तों आपको यहाँ पर इसको छोड़ना पड़ता है, लगभग 2 घंटे छोड़िएगा तभी अपना चाय पत्ती असर दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ ये हमारा विटामिन ई की कैप्सूल है दोस्तों। विटामिन ई का आपका फ़ायदा पता होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, मेडिकल शॉप में आपको इवियन के नाम से मिल जाएगा, इवियन 400, तो ये ले सकते हैं, अपने पास रखिए, हमेशा इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, हमारे स्किन को बहुत ही बढ़िया बनाता है, हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, गोरा करता है नेचुरली, और उसके साथ साथ ही हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है इससे, और बालों को नेचुरली काला भी करता है दोस्तों। तो सिल्की शाइन बाल इससे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बालों की ग्रोथ सबसे बड़ी बात है बहुत ही अच्छी होती है, बालों का जो टूटना झड़ना होता है वो भी रोकता है दोस्तों। तो एक फ़ायदा नहीं, विटामिन ई के हज़ारों फ़ायदे हैं, इसलिए विटामिन ई का कैप्सूल आप अपने पास ज़रूर रखें, अपने हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो देगा, आपकी इंस्टेंटली निखार लेके आएगा आपकी स्किन में, और आपके जो फेस है बहुत ही ज़्यादा चिकना दिखेगा, स्मूथ दिखेगा दोस्तों, इसलिए बालों के लिए, स्किन के लिए आप जो है विटामिन ई का कैप्सूल रखिए और इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने एक गोली को जो है इसमें डाल दिया हुआ है, और इसके बाद आपको जो इसमें इस्तेमाल करना है सभी कुछ लगभग आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा
कम करके जितना मैं क्वांटिटी फिक्स बता रही हूँ उतना ही करना है, ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा क्वांटिटी बना करके भी ये वाला तेल अपने पास रखिए, और जब भी आपको मन करे आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिकल आपका ये तेल बन करके रेडी हो चुका है। इसको आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी में इस तरीके से थोड़ा देर के लिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए करिएगा, यानी डबल बॉइलिंग मेथड जो होता है उसमें डाल करके। इससे पानी जो तेल है ना हमेशा हल्का गुनगुना रहेगा, और हल्का गुनगुना तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। कभी भी तेल को ठंडा ही ना लगाएं, उसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना कर ले जब भी नारियल का तेल या फिर कोई भी तेल आप लगाते हैं बालों में। इससे बाल की जो ग्रोथ है और भी अच्छी होती है, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है ताकि चाय पत्ती के कण वगैरह जो है वो निकल जाए। और आप यहाँ पे चाय पत्ती के देगा दोस्तों, आप कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया हेयर डाई का काम करता है, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कलर देता है, और चाय पत्ती तो है ही बहुत ही बढ़िया कलर देता है आपके बालों में। तो हेयर डाई लगाने की आपको बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला हेयर डाई इस्तेमाल करोगे तो। घर का बना हुआ नुस्खा है, सिर्फ हेयर डाई का ही काम नहीं करेगा, आपके बालों को जो है जड़ से मजबूत करेगा, बालों का टूटना झड़ना सब बंद कर देगा दोस्तों, सफ़ेद बाल बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा, सफ़ेद बालों का आना बंद हो जाएगा, नेचुरली आपके बालों को काला करेगा। तो बहुत ही बढ़िया सा ये नुस्खा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपके बाल पे ये काम करेगा दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, आपके जो स्कैल्प होता है जड़ वाला पार्ट होता है वहाँ पे लगाएं, और इसको लगा के आपको हल्के हल्के हाथों से अपने बालों को अच्छे से मसाज देना है, और उसके बाद सिरों पे भी इसको बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। सिरों पे लगाने से क्या होगा, आपके जो जो दुमहे बाल है, रफ़ बाल है, डैमेज्ड बाल है, वो सभी के सभी ठीक हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से लगा के आपके हल्के हल्के हाथों से आपको इसको मसाज देना है। कुछ ही देर जब मसाज इसको अच्छे से करिएगा तो जड़ों तक बाल पहुँचेगा, आपके जो फोड़े फुंसी हैं वो ख़त्म होगी, जड़ों में जुए वगैरह का प्रॉब्लम से वो ठीक हो जाएगी दोस्तों, और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बेहद खूबसूरत हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज देना है, और जब भी शैम्पू करना हो उसके 2 घंटे पहले भी ये वाला तेल आप लगा सकते हैं, और कोशिश करें कि आप रात को सोने के पहले लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलेगा। तो बस यही तेल को आपको लगा लेना है पूरे बालों पे, और लगाने के बाल आपको 2 घंटे 3 घंटे या ओवरनाइट अपने बालों पे रखे, नेक्स्ट दिन इसको आपको शैम्पू कर लेना है। पहले बार के दूसरे बार के इस्तेमाल से आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क दिखेगा, आपके बाल बेहद खूबसूरत मुलायम और एक सिल्की शाइनी और अलग सा कलर दिखेगा आपके बालों में दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का ये DIY, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, घर का बना हुआ है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।